हाय गाइस, तो आज मैं वीडियो यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि SMP में किसी ने तो ये मेरे साथ बहुत फालतू प्रैंक किया है, कुछ ज़्यादा ही। देखो यहाँ पे, एक सेकंड वर्ल्ड लोड होने दो। हाँ, यहाँ पे आप साइन बोर्ड है जिस पे ये, एक सेकंड पढ़ लो, ठीक है। सो अब मैं इन कोऑर्डिनेट्स पे जाना चाहता हूँ। मैं मतलब उस टाइम पे क्या था, मैं इतना एक्साइटेड हो रहा था क्या होगा करके। मैं गया सपने छत से सीधा कूद के। ये देखो, मैं मतलब क्या ही कर सकता था, इतना मेरे को लगा कोई होगा, किसी ने गिफ्ट विफ्ट दिया होगा। मैं जा रहा हूँ, आ गया कि मालूम पड़ेगा क्या हुआ मेरे साथ, इसी में कुछ तो हुआ है। बहुत बेकार वाला प्रैंक है, और आज मैं बहुत उदास हूँ बिकॉज 1.17 में माउस सपोर्ट करने लग गया। इसलिए नहीं कि मैं 1.17 में माउस सपोर्ट करने लगा इसलिए मैं उदास हूँ, मैंने अपना माउस और कीबोर्ड बेच दिया। बिकॉज कि मैंने जब ख़रीदा था तब शायद से 1.15 या फिर 16 था, तब सपोर्ट नहीं करता था। सो मैंने सोचा अब ये तो वेस्ट ऑफ मनी है, अपना अभी मनी रिकवर करना पड़ेगा, तो मैंने बेच दिया फिर से। तो भाई अभी 1.17 में फिर से सपोर्ट करने लगा, तो अब मैं खुशी मनाऊँ या गम मनाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना बुरा लगा ना यार, क्या ही कर सकते हैं। ओके, वो टॉपिक छोड़ दो। और अभी तब बहुत बुरा प्रैंक हुआ है अब मेरे साथ यहाँ पर, तो कुछ प्रैंक वाली सीन तक पहुँचने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। सो छोड़ो, आ गया सीन। देखो इसके पार मैं गया, अब देखो क्या वो कोऑर्डिनेट्स कहाँ के थे वो देखो। अभी खाली मैं गया, एक सेकंड मैं वीडियो पॉज करके आया और ये देखता हूँ, तो क्या ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ के थे इस पेड़ के, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं वो मेरे घर के हैं। मतलब इससे बुरा कोई, मतलब इससे अच्छा कोई प्रैंक नहीं मिला। खाली लकड़ी का इन्वेस्टमेंट किया है बंदे ने प्रैंक करने के लिए। देखो कैसल के सामने वाला प्रैंक। अच्छा हाँ, सोसाइटी एरिया में एक जन ने मेरे को DM में पूछा था डिस्कॉर्ड पे कि आप सोसाइटी एरिया क्यों नहीं दिखा रहे हो। सो दिखाऊंगा, अभी तक सोसाइटी एरिया में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है, जैसे ही सारी प्रोग्रेस हो जाएगी मैं दिखा दूंगा वीडियो बना के। सो अभी चलते हैं अपने सोसाइटी एरिया में, आपको अपना घर दिखाना हूँ। मैंने घर बनाया है ना, तो दिखाना बाकी है। और हाँ, आगे जाके मैं माइनिंग करने वाला हूँ, तो उसका एक शॉर्ट मॉन्टाज या फिर स्पीड क्लिप जो बोल सकते हो। ये मेरा घर है और छोटू सा घर है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, 2 फ्लोर, आगे बालकनी पीछे नेदर वॉट की फार्मिंग। तो हाँ क्लिप तो ऊपर मेरा फ़ोन की ना एल लग गए, सो पूरी क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई, थोड़ा एक या दो ही रिकॉर्ड हो पाया। सो उसी में अब कुछ करना पड़ेगा, तो अभी चलते हैं। ये देखो घर सामने से ऐसा, पीछे से वो फार्म है ना। ये मेरा स्केलेटन हॉर्स, इसने आफ्ताब गिविंग ने गिफ्ट किया था, पर नेक्स्ट एपिसोड में घूम चुका है वो। मतलब ऑब्वियसली अभी मैं वॉइस और बाद में कर रहा हूँ ना, तो हमें पता है। खाली है सारे बैरल्स, छोटा सा स्टोरेज एरिया है ये, एंड ऊपर तो देख ही चुके हो ना। ओके, तो अगर आपको एक अच्छा, मेरे पास एक बात है, अगर आपको शेयर पैक चाहिए होगा तो मुझे ना आप मतलब कमेंट में बता दो, मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगा। 2 शेयर पैक है, उन्हें यूज़ करके देखो, बहुत OP है, एंड उसका क्रेडिट जाता है Sunburn123 को। थैंक्स फॉर रिकमेंडिंग दिस पैक। वहाँ पे नीचे से छोटा, यहाँ पे ऊपर से पूरा व्यू दिखता है।
ओके सो मुझे 57 डायमंड्स मिले फॉर्चून के पिकेक्स के साथ। बहुत माइनिंग किया भाई, 2 से 3 घंटे कंटिन्यूसली माइनिंग किया। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अच्छा हाँ, मेरे पास ना एक छोटी सी क्लिप है 15-20 सेकेंड की, इस सर्वर के ओनर सिग्नल 7 की। सो अगर आपको क्लिप देखनी है तो इस वीडियो पे 50 लाइक्स, चैनल पे 10 सब्सक्राइबर और बढ़ा दो, वीडियो पे 50 व्यूज़। तब तक के लिए बाय बाय, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में। ध्यान रखो, गुड बाय।